देख सकते हो ये भी बेचारे भूखे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबा मठारदेव की नगरी। पीछे आप देख सकते हो बंदर प्रसादी छीनने को, समझ सकते हो आप लोग प्रसादी वो छीन रहे बंदरों। और आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आपको मैंने बता दिया था। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा मठारदेव की नगरी सारनी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा दोस्तों। अभी आपको जैसे जानते भी होंगे, धीरे धीरे जान जाओगे, है ना, सपोर्ट करिए। और मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर और फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बताएंगे आगे हम क्या क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और फिर साईं मंदिर, बाबा मठारदेव मंदिर और ऊपर जो मंजिल है ना, ऊपर मंजिल भी मंजिल पर भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है, सांसें पूरी धक-धक हो चुकी है और पता नहीं हमने अभी तक कितनी सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा और बाकी है, कोशिश जारी है निरंतर। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। इतनी मेहनत के बावजूद अब करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा मठारदेव की नगरी। और नीचे कसम से बोल रहा हूँ, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ये देखो आप देख सकते हो बाबा मठारदेव की नगरी आ चुकी है। अब हम आपको यहाँ अंदर से दिखाएंगे कि कैसा क्या है बाबा मठारदेव की नगरी में। अगर आप सारनी में रहते हो तो आप यहाँ पर आए होंगे, या फिर यहाँ बहुत दूर दूर से भी जनता पब्लिक आती है बाबा मठारदेव के दर्शन करने। चलो आपको मिलाते हैं बाबा मठारदेव की नगरी। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। हम पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ, हमको जाना था। तो अब आपको देख सकते हो श्रद्धालु पर बैठे हुए, ठीक है। अब हम ऊपर जाने वाले और मंदिर में दर्शन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। हमारे साथ हमारे रोहित भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों हमें लगता है कि हमें अंधेरा हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो बादल काले हो चुके, पानी का मौसम बन गया, पता नहीं अब वो पानी गिरता है क्या, ठीक है। देख सकते हो आप, वहाँ बंदर पानी का मौसम हो चुका है और पानी है थोड़ी देर में गिरने वाला। देखो बंदर, देखो ये बंदर यहाँ पता है मंदिर के अंदर कुछ सुबह भाई भाई, वो देखो बंदर हमारी प्रसादी छुड़ाने के भागने वाला। ये देखो ये बंदर भी बैठा हुआ, ये देखो भाई साहब खतरनाक बंदर उन्हें देख सकते हो कितने ठंडी बंदरों पता है प्रसादी छुड़ा के भाग जाएंगे ऐसा लग रहा है, बहुत ठंडी। Sarı sarı
हम सबसे ऊंची चोटी जो है अब मठारदेव की वहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे बाल उड़ते हुए आप देख रहे हो, क्या बताऊं, देख सकते हो कि इतनी हवा चल रही है कि हमारे बाल जगह पे नहीं रहे और मोबाइल भी हाथ में रहने की गुंजाइश नहीं रख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मोबाइल हाथ से गिर सकता है, पर हम कंट्रोल में रखे हुए। ठीक है, आप देखो पीछे ये साफ ये पूरा दृश्य दिखा रहा है, मेरा मोबाइल गिरने की कगार पे है। ठीक है, ये रोहित भाई का मोबाइल है, मेरे मोबाइल में थोड़ा तकलीफ आ गया था, पता नहीं किसे बंद हो रहा था, तो रोहित भाई के मोबाइल से व्लॉग बना रहे आगे स्टार्ट। ठीक है, तो वो हमने नीचे दर्शन नहीं करे। ठीक है, अब हम जाने वाले हैं नीचे और रात होने वाली है, पानी गिरने का वक्त हो चुका है, पूरा पानी का मौसम बना हुआ है, बादल वैसे ही काले काले हो चुके हैं पूरा, तो मौसम खतरनाक हो चुका है। मगर हम अगर नीचे नहीं गए तो हम यहाँ फंस सकते हैं। और ये बेचारे वानर हमारे पता नहीं कितने बार छुड़ाते बच गए, हम पता नहीं हमें क्या कर देते हैं, हमारी चप्पल कहाँ रखी भाई पता नहीं, हम भूल गए हैं। तो हम अभी नीचे जाके हमारी चप्पल लेंगे और बहुत जल्दी से हम नीचे जाने वाले हैं, और नीचे जाके हमें दर्शन करना है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम नीचे जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। तो फ्रेंड्स 4:18 हो चुके शाम के, पानी मौसम का हो चुका है, अब हम घर जाने वाले हैं। अब नीचे भी हमको एक बार दर्शन करना है, हमने नीचे पूजा नहीं करी भगवान की।